नमस्कार, मैं हूं संदीप अग्रवाल और आप देख रहे हैं खबर दिन भर। चलिए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों की ओर। जेडे की ओर से मानसून में मंगलवार को बड़ी कार्रवाई की गई। जेडे की ओर से 80 से ज्यादा अवैध दुकान मकान आदि अतिक्रमण तोड़ा गया। इसके लिए मंगलवार की सुबह 10 बजे से जेडे की ओर से कार्रवाई शुरू कर दी गई थी, जो कि दोपहर 4 बजे तक चली। इसके लिए सरकार की ओर से पहले ही प्लान तैयार कर लिया गया था, जिसे आज अंजाम दिया गया। जेडे की कार्रवाई के दौरान मौके पर भारी पुलिस जाब्ता भी तैनात रहा। मौके पर कई बुलडोजर एक साथ गरजे, एक के बाद एक अवैध निर्माणों को ढहाया गया। राजधानी जयपुर में एक बार फिर कॉलेज को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। धमकी मिलने के बाद पुलिस अलर्ट मोड पे आ गई। सिंधी गेम पुलिस थाने में आज सुबह धमकी भरा ईमेल आया, जिसमें लिखा था कि पारिक कॉलेज को बम से उड़ाया जाएगा। बम ब्लास्ट की सूचना के बाद मौके पर डॉग स्क्वाड व बम निरोधक दस्ता पहुंचा है। वहीं कॉलेज परिसर को खाली करा दिया गया है। स्टूडेंट्स को कॉलेज से बाहर निकाला गया है। बम की सूचना मिलने पर कॉलेज में मौजूद स्टूडेंट व अन्य स्टाफ दहशत में आ गए। पारिक कॉलेज के साथ ही बियानी कॉलेज को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली है। प्रदेश में भजनलाल सरकार के सत्ता में आने के बाद से ही सरकारी सिस्टम के लगातार फेरबदल किया जा रहा है। इसी क्रम में पूर्ववर्ती सरकारों द्वारा आमदनी के लिए सस्ते दामों में खाना खिलाने वाली अन्नपूर्णा रसोई योजना में भी बदलाव किया गया है। अन्नपूर्णा रसोई में उपलब्ध होने वाला भोजन में अब एक व्यक्ति को एक ही समय में एक थाली ही मिलेगी। अब तक एक व्यक्ति एक समय में दो थाली ले सकता था। सरकार ने जनवरी में ही भोजन की मात्रा बढ़ा दी थी। अब सरकार का मानना है कि एक व्यक्ति के लिए एक ही थाली पर्याप्त है। स्वायत्त शासन निदेशालय से जारी आदेशों के अनुसार वर्तमान में एक थाली में 600 ग्राम भोजन उपलब्ध होता है। सुप्रीम कोर्ट के तीन तलाक के फैसले को लेकर जहां मुस्लिम महिलाओं में खुशी है, लेकिन तीन तलाक आज भी समाज की कुछ महिलाओं को दर्दोर रहा है। ऐसे में ही जयपुर में एक पति के द्वारा पत्नी को तीन तलाक देने का मामला सामने आया है। लिखित में तीन तलाक देकर जल्द ही दूसरा निकाह करने की धमकी भी दी है। मुरलीपुरा थाने में पीड़िता ने शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने परिवार दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। राजस्थान में तेज गर्मी के साथ उमस ने परेशान करके रख दिया है। सोमवार को जयपुर, दौसा, भरतपुर, करौली, धौलपुर में सुबह शाम उमस रही। श्रीगंगानगर सबसे गर्म शहर रहा। धौलपुर, करौली में दोपहर में हल्की बारिश जरूर हुई, बावजूद इसके गर्मी से कोई खास राहत नहीं मिली। मौसम केंद्र जयपुर ने आज भी 8 जिलों में हीट वेव और उमस रहने की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, हनुमानगढ़, गंगानगर, चूरू, झुंझुनू में भयंकर हीट वेव चल सकता है। वहीं रात भी हद से ज्यादा गर्म हो सकती है। पिछले 24 घंटे के दौरान सबसे ज्यादा तापमान गंगानगर जिले में 46.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। शिक्षा मंत्री मदन देवर ने कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को निकम्मा बताया है। वो कहा, डोटासरा ने राजस्थान के बच्चों के साथ जाति की है, दुश्मन समझा बच्चों को, इससे निकम्मा व्यक्ति कोई नहीं हो सकता। पूर्व सीएम अशोक गहलोत और तत्कालीन शिक्षा मंत्री डोटासरा के सामने टीचर्स ने कहा था कि ट्रांसफर करने के पैसे देने पड़ते हैं। दिलावर मंगलवार को सीकर में मीडिया से बातचीत कर रहे थे। शिक्षा मंत्री ने पूर्व सीएम और डोटासरा को रीट भर्ती मामले में जेल में डालने की बयान पर कहा, मैं जेल में डालने वाला कौन होता हूँ? दोषी चाहे कोई भी हो, गहलोत हो या डोटासरा, चाहे मैं खुद ही क्यों ना हो, जो भी दोषी होगा जेल जाएगा ही। सीकर के लोग पानी की भारी किल्लत से जूझ रहे हैं। पीने के पानी के लिए लोग महंगे दामों में पानी के टैंकर डलवाने को मजबूर हो रहे हैं। पानी सप्लाई की समस्या को लेकर लोगों ने जलदाय विभाग में मटका फोड़ प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। वार्ड नंबर 34 व आयशा कॉलोनी के स्थानीय लोगों का कहना है कि जलदाय विभाग की लापरवाही और उदासीनता के चलते पिछले 4 महीनों से पीने के पानी की समस्या बनी हुई है। घरों में 5 मिनट भी पानी की सप्लाई नहीं होती। राजस्थान में अब 1963 पदों पर पटवारी की सीधी भर्ती होगी। इनमें से 1680 पद नॉन टीएसपी यानी गैर अनुसूचित क्षेत्र तथा 283 टीएसपी एरिया यानी अनुसूचित क्षेत्र के लिए रिजर्व है। भर्ती राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड करेगा। सरकार प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति दे चुकी है। भर्ती में आर्थिक तौर पर कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस कोटा 10%, अनुसूचित जाति यानी एससी 16%, अनुसूचित जनजाति यानी एसटी 12%, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी 21%, एमबीसी का कोटा 5% होगा। सर्वाधिक 74 पद भीलवाड़ा तथा 73 पद केकड़ी के लिए रिजर्व हैं। पटवारी प्रति की घोषणा सरकार ने वर्ष 2024-25 के दौरान की। खबर झालावाड़ से है, जहां पर भवानी मंडी थाना पुलिस ने वाहन चोर गिरोह के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 3 बाइक चोरों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही गिरोह के सदस्यों की निशानदेही पर चोरों की 4 बाइकें भी बरामद की है। मामले में जानकारी देते हुए भवानी मंडी पुलिस ने बताया कि शहर में लगातार आए दिन बाइक चोरी घटनाएं को बाइक चोर अंजाम दे रहे थे। इसी के चलते मामले में खुलासे के लिए पुलिस ने लगातार विशेष टीम की गठित की और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाले और मामले में पुलिस ने एकता नगर भवानी मंडी निवासी आरोपी आसिफ उर्फ कोवा और भवानी मंडी के रामनगर निवासी धनराज दुहार के साथ उन्हेल नागेश्वर क्षेत्र के निवासी सुजान कंवर को अलग अलग जगह से गिरफ्तार किया है। खबर अब हनुमानगढ़ से है, जहां के पीलीबंगा पालिका अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित किया गया है। हनुमानगढ़ जिले के पीलीबंगा पालिका अध्यक्ष सुखचैन सिंह रमाणा के खिलाफ आज अविश्वास प्रस्ताव पारित हुआ है। पालिका अध्यक्ष के 35 पार्षदों में से 28 पार्षदों के ने पालिका अध्यक्ष के खिलाफ मतदान किया है। वहीं पालिका अध्यक्ष के पक्ष में एक भी मत नहीं पड़ा। पीलीबंगा नगर पालिका में कांग्रेस का बहुमत है और सबसे खास बात यहां पर यह है कि पालिका अध्यक्ष सुखचैन सिंह रमाणा भी कांग्रेसी हैं। बावजूद इसके नाराज कांग्रेसी पार्षदों ने भाजपा के सहयोग से पालिका अध्यक्ष के पद से हटा दिया गया है। तो ये थी दिनभर की तमाम बड़ी खबरें। कल दोबारा इसी तरह की अन्य खबरों के साथ रूबरू होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।